हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र गोयल। आप देख रहे हैं 28 जनवरी का बैच। ये ऑडियो सेक्शन दिखाई है यहाँ पर। मुझे बताओ रिसीवर सेक्शन किस किस को समझ में आया यहाँ पर? और आपने आईसी के अंदर किस किस ने पूरा पैड लाइन चेक किया है रिसीवर सेक्शन? वो भी हमने एक दिन पहले कर लिया उसको, ठीक है। आज हम कर रहे हैं स्पीकर का पीए और एम्पलीफायर। नोबोल का एसी बन चुका है। किस किस को समझ में आया नोबोल का? आया ना? आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल। और यहाँ पर हमारे पास एक सेट है ओप्पो का। मेरा नाम सकलदेव कुमार, बिहार से। सकलदेव जी सर, सकल में ना जाओ, दिमाग से काम लगाओ, है ना? यस सर। ये बताओ मेरे को सकलदेव, अगर तुम्हारे पास कोई आरडीओ का फॉल्ट आया तो अभी जाएगा क्या मेरे भाई वापिस? क्या बिल्कुल नहीं जाएगा सर, क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया से बता दिए देव सर ने। देव सर ने तो पहले जैसे थ्योरी होते उससे ज़्यादा तो प्रैक्टिकल ही बताते हैं, पर जो रहता है थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लैब में बता देते हैं पूरा। और जितना भी स्टूडेंट है जब तक उसका पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं होते तब तक बताते रहते हैं। जी बताइए, कैसा रहा अनुभव आपका? सर आज तो पूरा समझ में आ गया मुझे, कमांड कहाँ से है, क्या EN कहाँ से है, इनपुट कहाँ से आता है, आउटपुट कहाँ से निकलता है, जाता है, मतलब लास्ट तक पता चला हर चीज का। यहाँ पे एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं? हाँ सर, सर इनपुट से आउटपुट मतलब ऐसा कोई। शर्मा आई यूपी से हूँ। हाँ सर, ऑडियो आईसी की क्लास थी जिसमें स्मार्ट पीए नॉर्मल पीए दोनों समझाया गया है, वो भी लेटेस्ट CPU पे, ओल्ड CPU पे, जैसे भी CPU आते हैं सब पे समझाया गया है। और इतना ही कहूँगा कि एंडलेस सॉल्यूशन मिला है। सर मैं निहाल महाराष्ट्र से। हाँ निहाल बताइए। सर आज ऑडियो सेक्शन का क्लास था, जो सर के साथ सुबह थ्योरी हुई, बाकी प्रैक्टिकल में सर ऑल डाउट्स क्लियर हो गए। ऑल डाउट्स क्लियर है। आईसी कोई सा भी अगर ऑडियो आता तो आप बना पाएंगे कि नहीं? कैसा रहा क्लास आपका? बहुत बढ़िया सर, आउटस्टैंडिंग, नो माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। अभी ये बताइए कि यहाँ पे कोई यूट्यूब वाला ज्ञान मिल रहा है क्या? नो सर, यहाँ पे प्रैक्टिकली जो सर के साथ जो बेसिक है उनका वो सारा एकदम पॉइंट सारा वोल्टेज, मतलब एक बच्चा अगर आईडियो सेक्शन उसके सामने रख दूं मैं और कितनी जरूरी लाइन है वो आपको मालूम है, मालूम तो है। एक एक बच्चा उंगली से बिना देखे, मतलब बिना मल्टीमीटर के देख के बता सकता है? देख के बता सकता हूँ सर, एक एक चीज कहाँ इनेबल आ रहा है, कहाँ आउट हो रहा है। पहले तो हम ऑडियो आईसी नहीं जानते थे कि ऑडियो आईसी कैसी लगी रहती, कहाँ मिलती है, बट आज सर ऑडियो आईसी, डीसी आईसी, सारी आईसी हम बता सकते हैं कहाँ पे लगी है और ऑडियो आईसी को जो वोल्टेज मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, इनपुट आउटपुट इनेबल कमांड ये सारे बता सकते हैं सर। थैंक यू जी सर। आज ऑडियो क्लास थी, ऑडियो क्लास में हमको बताया गया कहाँ से कौन सी सप्लाई आती है, कहाँ से उसका आउटपुट होता है, कहाँ से उसका EN और वो सब मिलता है, इसके बारे में टोटल डिटेल से बताया गया। और शाम को हमने प्रैक्टिकल किया जो कि बहुत शानदार था। राकेश कटरा से। राकेश कटरा से, राकेश बताइए आपके ऑडियो की क्लास कैसी रही आपके? सर एकदम एक क्लास हाई लेवल सर, बहुत अच्छी रही हमारी क्लास। क्या क्या खूबी रही आपको थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? सर जो सेट हमारे से पहले नहीं बनते थे पर अब वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे? बिल्कुल। एक एक चीज का लॉजिक मिला आपको? बिल्कुल मिला है सर। बिल्कुल, कहां वोल्टेज का, जीआर का, फ्रीक्वेंसी का? बिल्कुल मिला। फ्रीक्वेंसी भी आती है आपकी एक जगह? यस सर। फ्रीक्वेंसी भी आपको डीएसओ पे बताइए आप? यस सर। 16 बॉल की बात करूं, 30 बॉल की बात करूं मैं, 36 बॉल की, 36 के बाद 42 बॉल की, 49 बॉल की, सारी बता दिए सर। बिल्कुल बता दिए आपको? हाँ सर। स्मार्ट पीए, स्मार्ट पीए वगैरह खाली जाएगा तो नहीं? नहीं सर, सर A to Z सब समझ में आया। उसका प्रैक्टिकल जो आपने नहीं समझ में आया था वो यहाँ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किया आपने उसका? यस सर। आईसी उठा के पेट चेक किया आपने? यस सर। कहाँ आपको जीआर आना है, कहाँ पे आपको वोल्टेज आना है? सर टोटल चेक किया। सर आज इनपुट आउटपुट वोल्टेज, EN और कमांड ये सब के बारे में बताया गया कि हमारी आईसी कैसे काम करती है, किन किन चीज़ों से किन किन लाइनों पर काम करती है और ऑडियो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, फॉल्ट हमारा किस किस लाइन पे आ सकता है। अभी तुमने लाइव एंसर, तुम्हारे मोबाइल का लाइव एंसर उठाया कि नहीं? आईसी उठाया, आईसी उठा के चेक किया सर। आईसी उठा के डाटा करके उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया? यस सर बनाया, अपना खुद का बनाया। बहुत अच्छी सर क्लास थी। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, कितना इनपुट आता है, कितना आउटपुट आता है, वो पूरा डिटेल नॉलेज मिला सर। आपने उसका प्रैक्टिकल भी? यस सर प्रैक्टिकल भी किया। 3 घंटे प्रैक्टिकल की क्लास थी आपकी? यस सर। तो आपने 3 घंटे प्रैक्टिकल किया पूरा यहाँ पे? यस सर। उसके बाद से तमिल सर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?
क्या कर रहे हो? एक ड्रिंगर का टेस्टिंग कर रहे हैं। आज हमारा ऑडियो सेक्शन की क्लास थी, तो ड्रिंगर आईसी जितनी भी होती है वो तो सारा कुछ बताया गया आपको? सब बताया गया। अभी आप ट्रेस कर रहे हैं? हम ट्रेस कर रहे हैं। कौन सा फोन है? कहाँ पे लगा इसका ड्रिंगर सिस्टम? ड्रिंगर आईसी कहाँ लगी? ये लगी। ऑडियो से रिलेटेड सारे फॉल्ट को पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे। चलो ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? ऑडियो प्लान चेक कर रहे हैं जियो का रिंगर आईसी। क्या कर रहे हैं इसमें? ऑडियो आईसी ऑन बोर्ड है जी सर, और मैं इसमें उसको वोल्टेज भी चेक करिए। ठीक है, ये भी ऑन बोर्ड है? यस सर। कहाँ पे लगा रिंगर सेक्शन इसका? रिंगर सेक्शन ये और ये ऑडियो आईसी मेन पावर में जा रहा है। यस सर। कैसी रही आज की क्लास हमारी? बहुत अच्छी। समझ में आ रहा सारा? yes, कुछ जो ऑडियो से रिलेटेड फॉल्ट आएगा उसको फाइंड आउट कर पाओगे? यस सर। ठीक है, हाँ जी। क्या कर रहे हैं? ट्रेस कर रहे हैं। ट्रेस कर रहे हैं? हाँ। स्पीकर। कैसी रही आज की क्लास हमारी? बहुत। समझ में आ रहा सारा कुछ? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हो सर? इंदर आई सी। कहाँ पे है इसका सेक्शन? ऑडियो सेक्शन बताइए। कौन सा मॉडल है ये सर? MI ये वन। फ़ोन चालू फ़ोन है ये जी सर? नहीं सर, अभी नहीं चालू है, अभी चालू है। चालू है जी सर। तो कहाँ पे लगा ऑडियो सेक्शन बताओ सर? ये पहचान पा रहे हो अभी? जी सर। क्या कर रहे हो सर? इंगर आई थी वोल्टेज और कौन सा फ़ोन है दिखाओ? MI नोट 5। नोट 5 चालू फ़ोन है? यस सर। अंदर लगा इसका ऑडियो सेक्शन? ये अंदर लगा सर। कहाँ पे दिखाई? यस सर, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप देख करके पहचान जाओगे। यस सर। कैसी रही आज की क्लास? नंबर सर। चलो ठीक है। क्या कर रहे हैं आप? कौन सा मॉडल है ये? ये सर रेडमी 5 है। रेडमी 5। तो ऑडियो सेक्शन कहाँ पे है इसका? ऑडियो सेक्शन ये रहा सर, नीचे की तरफ। अब देख करके पहचान जा रहे हैं? यस सर। उसको देख करके फाइंड आउट, जो भी प्रॉब्लम आएगा फाइंड आउट कर लेंगे। यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करिए। कौन सा मॉडल है ये? रेडमी 4 है। कहाँ पे ऑडियो सेक्शन का रेडियो? सर ये रिंगर सर। तो देख करके पहचान जाएंगे अभी। yes, यहाँ पे हमें कहाँ पे 1.8 कितना 2.8 कहाँ पे 4 वोल्टेज सब कुछ बता पाएंगे? हाँ बता देंगे सर। चलिए ठीक है।
कर रहे हैं सर? एम आई नो सूर्य से ऑडियो आई थी। कहाँ पे ऑडियो आई थी बताइए? K318। तो ये पहचान जा रहे हैं अभी देख करके? यस सर। हैंगर आई सी पहचान जा रहे हैं? हाँ सर, किसी ने बताया नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, जो भी फॉल्ट आएगा फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल सर। उस रिंगर आईसी के पास कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए बता पाओगे? बिल्कुल सर। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो। क्या कर रहे हैं भैया? सर रिंगर आईसी कहाँ पे? रिंगर आईसी कौन सा मॉडल है? MI5 ऑन बोर्ड है। नहीं तो उसमें वोल्टेज चेक करिए, कहाँ पे इनपुट वोल्टेज आ रहा है, कब आउटपुट निकल रहा है, कहाँ पे 1.8, सब कैसी रही ऑलमोस्ट क्लास? बहुत अच्छी सर। समझ में आ रहा सारा कुछ? बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। जियो कौन सी ऐसी लगी इसमें? रिंगर आईसी। रिंगर आईसी लगी है? स्मार्ट पी है। स्मार्ट पी है, देख करके पहचान जाएंगे। कौन सा मॉडल है ये? रेडमी नोट 5। रेडमी नोट 5 प्रो का रिंगर सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है? सर इसमें स्मार्ट पी है। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है स्मार्ट पी। देख करके पहचान जा रहे हैं? हाँ सर, आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। खुद ही किया मैंने। खुद ही किया? तो इसमें कहाँ पे कितने वोल्टेज आने चाहिए, कब ये वर्क करेगा, कब आउटपुट निकलेगा, क्या इनपुट होना चाहिए, सब कुछ पता चला है? चलो ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं आप? कौन सा मॉडल है ये? MI6 प्रो है सर। 6 प्रो ऑडियो आईसी। देखिए कहाँ पे, इधर देखिए, कॉर्नर पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, क्या ये है क्या? यहाँ पे देखिए, देख करके पहचानिए। मैंने सर अभी फोन खोला ही, ड्रेस अभी खोला। हाँ सर। चलिए ठीक, कैसी रही आज की क्लास हमारी? बहुत बढ़िया सर। चलिए ठीक, कंटिन्यू करिए। कहाँ पे कौन सा सेक्शन है ये? ये सर ऑडियो का है, ये रिंगर सेक्शन है। रिंगर सेक्शन लगा हुआ है, पहचान नहीं पा रहे, क्या लिखा है इसके ऊपर नंबर? 5। क्या कर रहे हो सर? ऑडियो आईसी चेक कर रहा हूँ। कौन सा मॉडल है ये आपका? 5A। 5A कहाँ लगा ऑडियो से रिंगर सर? ये देखिए, कॉल के बाद देख करके पहचान जा रहे हैं। कैसी रही क्लास हमारी? बढ़िया। दूसरों का पढ़ाने का तरीका सर? बहुत बढ़िया। समझ में आ रही सारी बातें? ओके चलिए, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी हम? सर वो रिंगर आईसी। रिंगर आईसी देख करके पहचान जाएंगे अभी? हाँ सर, बिल्कुल पहचान जाएंगे। दोनों तरह की आईसी होती है ऑलमोस्ट। एक तो जिसमें बूस्ट कॉइल लगी रहती है, ओके, और एक है जो नॉन कॉइल होती है। तो दोनों की पहचान बताइए यार, थ्योरी में भी बताइए और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल में कहाँ पे कितने वो रोज कर रहे हैं सर। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें कोई ऑनलाइन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में थ्योरी तो बता दी जाएगी पर क्या प्रैक्टिकल मिलेगा? ऑनलाइन सिर्फ एक बिजनेस है, नहीं एक फील होता है जैसे आप यहाँ पे बैठे हो अभी। हाँ सर, हम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं गलत होगा तो वो सही करेंगे। वहाँ कौन आया है? प्रैक्टिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक मोबाइल को दिखा के। जी जी जी, सबके पास अलग अलग जितने भी सर्किट है सारा कुछ दिखाएगा? सब दिखाया उन्होंने। कहा सर ये चीज याद रखो, मोबाइल को ऐसा भी भूल जाओ। सर्किट याद होना चाहिए कि रिंगर आईसी कहाँ पे लगी होती है, ऑडियो आईसी कहाँ पे लगी होती है। ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर रिंगर आईसी का। कौन सा मॉडल है ये? इनफिनिक्स का सर। कहाँ पे ऑडियो रिंगर आईसी लगी? यहाँ पे सर। देख करके पहचान जा रहे हैं? जी सर बिल्कुल सर, हर एक चीज पहचान बता देंगे सर। कैसी हमसे में क्या क्या फॉल्ट आएगा, कहाँ पे क्या क्या चीज़ चेक करनी है बता पाएंगे? जी सर बिल्कुल बता पाएंगे सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं सर? स्पीकर चेक करा हुआ। चेक कर रहे हैं इसमें? yes. वोल्टेज चेक कर रहे हैं? यस सर। कहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए सब पता है? सब पता है। 4 वोल्ट कब आएगा, 1.8 कब आएगा, 1.8 कितने आने चाहिए सारा कुछ सब सब पता है सब। ओके okay. चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं? ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन ट्रेस कर पा रहे हैं? कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू करिए। ये कौन सा मॉडल है? ये 6 है सर। कहाँ पे ऑडियो सेक्शन है इसका? ये वाला। देख करके पहचान जा रहा है? हाँ सर। कंटिन्यू करिए। कौन सा मॉडल है ये आपका? ये MI3 है सर। तो इसमें ऑडियो सेक्शन रिंगर सेक्शन कहाँ पे है? लेकिन सर इसके आईसी पहले से निकाल दिया। अच्छा, किसी ने निकाल दिया। हाँ, देख करके पहचान जा रहे हैं? हाँ सर। क्या कर रहे हैं आप? 6 वोल्टेज देख रहे हैं। वोल्टेज देख रहे हैं?
कंटिन्यू करेंगे। कौन सा मॉडल है आपका? नोट 5। तो ऑडियो से सेक्शन पहचान जा रहा है इसका, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आना चाहिए सब कुछ? जी सर, पूरा डीप नॉलेज मिला है कि केवल यूट्यूब वाला ज्ञान मिला? सर यूट्यूब वाला तो कुछ भी नहीं है यार। यूट्यूब वाला कुछ नहीं है? यूट्यूब कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, यूट्यूब कुछ भी नहीं तो ऐसे हो गया कि एक नंबर यहाँ से जंपर उठाओ, काउंटिंग में चले तो एक नंबर पे यूट्यूब और स्कोर नंबर पे एशिया डेली। ऐसा बढ़िया। तो ये आपको रोज नया सीखने को मिल रहा है सर्किट? हाँ सर, रोज नया सर्किट मिलता है। कल आपका ग्राफिक्स की क्लास होगी तो ग्राफिक्स में भी आपको पता चलेगा। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करें। कौन सा मॉडल है ये? सर ये रेडमी 2 है। तो कैसी रही हमारी ऑडियो सेक्शन क्लास? बहुत अच्छी रही। सारा कुछ जो फाइंड आता है फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। हाँ जी, क्या कहते हैं सर? ऑडियो सेक्शन का पहचान पा रहे हैं? हाँ, उसकी चेकिंग करा रहे हैं। चलिए ठीक है। गाइस, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आज हमारी ऑडियो सेक्शन की क्लास थी, तो सारे स्टूडेंट लाइव प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बंद बोर्ड में, चालू बोर्ड में चेक कर रहे हैं कि उसमें वोल्टेज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 वोल्ट कब आएगा, 1.8 कब आएगा, 1.8 कितने आने चाहिए, ये कब आएंगे, सारा कुछ प्रैक्टिकल क्लास में यहाँ पे लाइव करते हुए। थैंक यू सो मच। राकेश कटरा से राकेश बताइए, आपकी ऑडियो की क्लास कैसी रही आपकी? सर एकदम एक क्लास हाई लेवल। Yes, अच्छा ये बताओ मेरे पास, तुम्हारे पास कोई सेट आता है ऑडियो का तो अब बाकी जाएगा क्या, बिना बने जाएगा क्या? सर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं जाएगा? नहीं। ठीक है, आपकी अच्छे थे? अच्छी समझ आई? समझ में आया। उसका प्रैक्टिकल मिला आपको यहाँ पे? मिला। प्रैक्टिकल मिला आपको? यस। आपने IC उठा के प्रैक्टिकल किया उसके अंदर, कहाँ पे आपको वोल्टेज मिलने, कहाँ पे GR मिलने, कहाँ पे मिलना किया, पूरा लाइव किया आपने? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप बताइए कैसी रही क्लास आपकी? सर बहुत अच्छी रही हमारी क्लास। क्या क्या खूबी रही आपको थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करेंगे? सर जो सेट हमारे से पहले नहीं बनते थे पर अब वापस नहीं जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे? बिल्कुल। एक चीज का लॉजिक मिला आपको? बिल्कुल मिला है सर। बिल्कुल। हाँ, वोल्टेज का, GR का, फ्रीक्वेंसी का, बिल्कुल मिला। फ्रीक्वेंसी भी आती है आपकी एक जगह? यस सर। फ्रीक्वेंसी भी आपको DSO पे बताइए आप? विलेश महाराष्ट्र। विलेश बताओ मेरे को, अभी ऑडियो सेक्शन में कुछ बाकी रहा क्या? कुछ नहीं सर। बात करूं मैं 9 बॉल की IC की, बात करूं 14 बॉल की, बात करूं 16 बॉल की, बात करूं 30 बॉल की, बात करूं मैं 36 बॉल की, 36 के बाद 42 बॉल की, 49 बॉल की, सारी बता दी सर। बिल्कुल बता दी आपको? हाँ सर। स्मार्ट पीए वगैरह खाली जाएगा तो नहीं? नहीं सर, बहुत अच्छी रही क्लास। बताओ मेरे को कोई समझ में नहीं आने वाली? नहीं सर, सब A to Z सब समझ में आया। जो आपने नहीं समझ में आया था वो यहाँ प्रैक्टिकल किया आपने उसका? यस सर। IC उठा के पेट चेक किया आपने? यस सर। कहाँ आपको GR आना है, कहाँ पे आपको वोल्टेज आना है? सर टोटल चेक किया जी सर। आज ऑडियो क्लास थी, ऑडियो क्लास में हमको बताया गया कि कहाँ से कौन सी सप्लाई आती है, कहाँ से उसका आउटपुट होता है, कहाँ से उसको TN और वो सब मिलता है, इसके बारे में टोटल डिटेल से बताया गया। और शाम को हमने प्रैक्टिकल किया जो कि बहुत शानदार था। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम लक्ष्मण जायसवाल है सर। आज ODU ICU की क्लास थी सर। पहले तो हम ODU ICU नहीं जानते थे कि ODU ICU कैसी लगी रहती, कहाँ मिलती है, बट आज सर ODU ICU, DC ICU सारी ICU हम बता सकते हैं कहाँ पे लगी है, और ODU ICU को जो वोल्टेज मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, इनपुट आउटपुट इनेबल कमांड ये सारे बता सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी अर्जुन बताइए कैसा रहा क्लास आपका? बहुत बढ़िया सर, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। अभी ये बताइए कि यहाँ पे कोई यूट्यूब वाला ज्ञान मिल रहा है क्या? नो सर, यहाँ पे प्रैक्टिकली जो सर के साथ जो बेसिक है उनका वो सारा एकदम पॉइंट सारा वोल्टेज, मतलब एक बच्चा अगर ऑडियो सेक्शन उसके सामने रख दूं मैं और कितनी जरूरी लाइन है वो आपको मालूम है? मालूम तो एक बच्चा उंगली से बिना देखे, मतलब बिना मल्टीमीटर के देख के बता सकता हूँ सर, एक एक चीज कहाँ इनेबल आ रहा है, कहाँ आउट हो रहा है। मेरा नाम सकलदेव कुमार, बिहार से। सकलदेव जी सर, सकल पे ना जाओ, दिमाग से काम लगाओ, है ना? यस सर। ये बताओ मेरे को सकलदेव, अगर तुम्हारे पास कोई ऑडियो का फॉल्ट आया तो अभी जाएगा क्या मेरा भाई वापस? क्या बिल्कुल नहीं जाएगा सर, क्योंकि यहाँ इतना बढ़िया से बता दिए देव सर ने तो पहले जिस थ्योरी होते हैं उससे ज़्यादा तो प्रैक्टिकल ही बता देते, पर जो रहता है थोड़ा मोड़ा यहाँ पे लैब में बता देते पूरा, और जितना भी स्टूडेंट है जब तक उसका पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं थे तब तक बताते रहते हैं। सर मैं निहाल मार्क्स से। हाँ निहाल बताइए। सर आज ऑडियो सेक्शन का क्लास था, उसके साथ सुबह थ्योरी हुई, बाद में प्रैक्टिकल में सर ऑल डाउट्स सर क्लियर हो गए। ऑल डाउट्स क्लियर है? क्लियर फुल। अभी IC कोई सा भी अगर ऑडियो आता तो आप बना पाएंगे कि नहीं? आराम से सर। लाइनों को देखने का नजरिया कैसा रहा? पूरा फुल्ली चेंज हुआ है
समझ रहा है वो अच्छे तरीके से। अगर तीन रजिस्टर है तो क्या काम कर रहे हैं, अगर चार पांच रजिस्टर है तो क्या काम कर रहे हैं आपका, है ना? सीरीज में कैपेसिटर लगा है तो क्या काम कर रहा है, और आपका इनपुट कहाँ से आ रहा है, कौन से कैपेसिटर पे आ रहा है, पूरा सर, है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है एमपी से, जी बताइए। सर ऑडियो क्लास थी आज, सर आज इनपुट आउटपुट वोल्टेज ई एन और कमांड ये सब के बारे में बताया गया कि हमारी आईसी कैसे काम करती है, किन किन चीज़ों किन किन लाइनों पे काम करती है, और ऑडियो हम कैसे कैसे बना सकते हैं, फॉल्ट हमारा किस किस लाइन पे आ सकता है। अभी तुमने लाइव हैंडसेट, तुम्हारे मोबाइल का लाइव हैंडसेट उठाया कि नहीं, आईसी आईसी उठा के चेक किया सर, आईसी उठा के डाटा सेट उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है सर, बनाया अपना खुद का बनाया, और इतना ही कहूंगा कि एंडलेस सॉल्यूशन मिला है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है मुस्तफा, बताइए। जी सर। मुस्तफा कैसा रहा क्लास आपका? सर बहुत अच्छी रही सर आज की क्लास। और उसके बाद आपने आईसी को आपको समझ में आया कि नहीं, कहाँ ये आना है, कहाँ आपका कमांड आना है, कहाँ आपको वीपीएच देना है, समझ में आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सब समझ में आया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है इमरान, बताइए कैसा रहा क्लास सर? आज का क्लास बहुत बढ़िया रहा। तो इसके अंदर आपने जो सर ने वहाँ पे पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल मिला कि नहीं? प्रैक्टिकल मिला सर, 5 घंटे सर की क्लास थी, उसके बाद यहाँ आपका प्रैक्टिकल था, तो प्रैक्टिकल मिला कि नहीं आपको? जी सर मिला। प्रैक्टिकल में कोई चीज़ की दिक्कत प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम समझने में, जो भी सर प्रॉब्लम थी वो आपसे पता किया, आपने पूरा डिटेल में बता दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सर, जी बताइए। आज सर ऑडियो की क्लास थी, आज सर पूरे पूरे बताए कि वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं, फिर जी आर कहाँ से मिल रहे हैं, लाइनें कहाँ से जा रही है, उसकी सब बताया सर, प्रैक्टिकल भी हुआ और थियरी में भी मिला। थैंक यू वेरी मच। ऐसा जी बताइए कैसा रहा अनुभव आपका? सर आज तो पूरा समझ में आ गया मुझे, कमांड कहाँ से है, क्या ई एन कहाँ से है, इनपुट कहाँ से आता है, आउटपुट कहाँ से निकलता है, जाता है, मतलब लास्ट तक पता चला हर चीज़ का यहाँ पे एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं। हाँ सर, सर इनपुट से आउटपुट मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट है होता है कि आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा और हम आगे बढ़ गए, कल आपको बी एस आई की लाइन समझ में नहीं आई, आज हमने ऑडियो पढ़ा दिया आपको, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, पहले बी एस आई कल ये सेकंड समझ में आ गया, फिर ऑडियो का ऐसा नहीं हो सकता है जो बिना यहाँ पे जाने। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जी, इधर आ गया ये। सर मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा, आई यू पी से हूँ। हाँ सर ऑडियो आईसी की क्लास थी जिसमें स्मार्ट पीए नॉर्मल पीए दोनों समझाया गया है, वो भी लेटेस्ट सीपीयू पे, ओल्ड सीपीयू पे, जैसे भी सीपीयू आते हैं सब पे समझाया गया है। सलाम किया मैंने सर आपने? सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज थी हमारी आईडियो की क्लास कि आईडियो सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको कमांड कहाँ से मिलती है, फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलती है और कहाँ जाती है, वोल्टेज कितनी आती है, कहाँ जाती है, ये सब कुछ हमने थोड़ी भी पढ़ा, अभी जाके यहाँ प्रैक्टिकल भी किया लैब में। अभी जो वहाँ से पढ़ के आते हैं उसका प्रैक्टिकल कैसा मिलता है आपको? बहुत बढ़िया सर, वो सारा कुछ प्रूव हो जाता है। कैसा मिलता है उसके अंदर, एक चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती? तो सर पहले जैसे मैथ में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमें प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है, वहाँ राइट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करके इक्वल हो जाता है। ठीक है, और मैं बात खाली तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट और है मेरे साथ, आइए विलेश आ गया जी, बताइए क्या क्लास थी आपकी? ऑडियो ऑडियो की क्लास थी, कैसा रही आपकी क्लास? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया से क्या बोले हैं उसको? सर पूरा सब चेक किया, डाटा बेस बनाया, डाटा शीट बनाया। उसके बाद आपने आईसी उठा के डाटा शीट बनाई उसके अंदर, एक एक बाल को समझा आपने, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ईएन कहाँ से मिल रहा, कमांड कहाँ से आ रही। सर सर चलिए ठीक है, तबीयत ख़राब है आज आपकी? चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, बताइए। अच्छा ऑडियो की क्लास थी सर, बहुत अच्छी सर क्लास थी, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कितना इनपुट आता है, कितना आउटपुट आता है, वो पूरा डिटेल नॉलेज मिला सर। चलिए ठीक है, आपने उसका प्रैक्टिकल भी किया? यस सर प्रैक्टिकल भी किया। 3 घंटे प्रैक्टिकल की क्लास थी आपकी? यस सर। तो आपने 3 घंटे प्रैक्टिकल किया पूरा, यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं? बात करूँ मैं आपको, कोई सा भी सर्किट दूँ, 14 बाल का दूँ, 9 बाल का दूँ, 16 बाल का दूँ, 42 बाल का स्मार्ट पीए दूँ, तो बना सकते कि नहीं बना सकते? कर सकते सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ईमानदारी से तालियां बजा दो।